हेलो एवरीवन, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक जो है वो ऐसा है जिसमें प्रत्येक स्टूडेंट अच्छे नंबर ला सकता है। ये 12वीं क्लास के लिए भी है और 11th क्लास के लिए भी है। 11th क्लास के लिए इसलिए क्योंकि इस बार एनसीईआरटी का कोर्स लागू हो गया है और इसके अंदर मोस्टली 12th क्लास को कॉपी किया गया है। तो इसमें है नॉट मेकिंग, ये 12th क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के नाम से आएगा। 11th क्लास के अंदर एनसीईआरटी कोर्स है, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 में 1 और 2 के नाम से आ जाए। इस क्वेश्चन को हम किस तरह हल करेंगे, नोट्स किस तरह बनाएंगे, हेडिंग्स क्या होती है, सब हेडिंग्स क्या होती है, ये सब इस पूरे वीडियो में है। वीडियो के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट के अंदर सिर्फ ये बताया गया है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, यानी नोट्स कैसे बनाएंगे और समरी कैसे लिखेंगे। और उसके दूसरे पार्ट में 2020 के अंदर जो पेपर आया था बोर्ड क्लास में 12वीं के अंदर, उसका जो दूसरा क्वेश्चन है, नोट्स वाला जो क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन है। आप पूरा वीडियो अच्छी तरह देखें, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 से 3 बार देखें, समझ में ज़रूर आएगा। रूल्स केवल इतने ही बताए गए हैं जितना कि एक सामान्य विद्यार्थी को आवश्यकता है, यानी कि इतने ज़्यादा नहीं है कि वो परेशान हो जाए या इतने कम भी नहीं है कि वो कुछ भी समझ ना पाए। लेकिन ये याद रखें, एक दिन में नहीं आएगा लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा। आप किसी भी घड़े में पानी तभी डाल सकते हैं जब उसका मुंह ऊपर रखें। बरसात हो रही हो लेकिन अगर घड़ा उल्टा है तो उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं जाएगा। आप मेरा तात्पर्य समझ गए होंगे। अगर आप इस वीडियो को देखकर समझना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर जो ईगो है उसको तो अलग करना पड़ेगा, उसके बाद ये वीडियो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा और आपको नोट मेकिंग बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं पूरा का पूरा वीडियो एक एक रूल्स के अकॉर्डिंग। नोट मेकिंग का जो क्वेश्चन है वो 12th में क्वेश्चन नंबर 9 और 10, इस नंबर पे आता है ना। क्वेश्चन नंबर 9 नोट मेकिंग का होगा और क्वेश्चन नंबर 10 समरी का होगा। ये 4+2=6, यानी कि 4 नंबर का होगा नोट मेकिंग और 2 नंबर का होगा समरी, दोनों मिलाकर 6 नंबर के होंगे। यही क्वेश्चंस 11th क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 और इसके बाद सब क्वेश्चंस, यानी कि पहला जो क्वेश्चन होगा वो नोट मेकिंग का होगा और दूसरा क्वेश्चन समरी का होगा। इस बार एनसीईआरटी का कोर्स है 11th के अंदर, तो हो सकता है ये भी 4+2 का ही हो या ऊपर नीचे हो, ये हो सकता है। लेकिन नोट मेकिंग और समरी करने का जो तरीका है वो 12वीं में और 11वीं में दोनों में सेम है। सबसे पहले हम देखते हैं नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसका फॉर्मेट, क्योंकि ज़्यादा नंबर इसी के आएंगे। एग्जामिनर का जो फोकस होगा वो इसी पर होगा कि फॉर्मेट किस तरह का है। आप चाहे कितना भी अच्छा कर लें, अगर आपका फॉर्मेट गलत है तो फिर नंबर नहीं आने वाले। तो फॉर्मेट किस तरह से करेंगे और इसमें किस किस चीज़ें की ज़रूरत होती है, हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह का होगा। ये कक्षा 12 का पेपर है जो 2020 के अंदर आया था, इसी के अकॉर्डिंग हम नोट मेकिंग और समराइजेशन देखेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व भी करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 और 11, इसमें साफ साफ लिखा है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, कि हमें सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद इसके नीचे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर और उन दोनों क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। किस तरह करना है देखते हैं कि उस क्वेश्चंस में क्या क्या लिखा हुआ है। पूरा पैसेज जब पढ़ लेंगे तो उसके नीचे 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये क्वेश्चंस हैं, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स, इंपॉर्टेंट, मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें इस नोट्स को जो लिखना है वो लिखना है हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स के रूप में, और इसके बाद में राइट समरी ऑफ द पैसेज एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। तो दूसरा जो 11 नंबर का क्वेश्चन है उसके अंदर हमें समरी लिखनी है और समरी के साथ साथ हमें इसको एक सूटेबल टाइटल देना है, यानी कि टाइटल लिखना ज़रूरी है। यहाँ पर 2 नंबर का है ये क्वेश्चन, तो ये मान के चलिए यहाँ पर जो टाइटल है वो कम से कम आधे नंबर का ज़रूर होगा, यानी कि अगर आप टाइटल भी लिख देते हैं सही तो आपका आधा नंबर ज़रूर मिलेगा। अब देखते हैं इसका किस तरह हेडिंग्स देखना है हमें और किस तरह सब हेडिंग्स चूज करनी है हमें इसी पैसेज के अंदर से। तो सबसे पहला काम होगा इसमें कि सबसे पहले रीडिंग, यानी कि इस पैसेज को रीड करना है। तो रीड करते हैं हम पहले।
तो नोट्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले पैसेज को रीड करना होगा, और रीड करने से भी पहले एक छोटा सा काम है जो पेंसिल की सहायता से हमें करना है, वो है कि पूरे पैसेज को डिवाइड करना है लगभग 4 या 5 पार्ट्स के अंदर। उसे डिवाइड कर लें एक अंदाजे से, और उस पर निशान बना लें पेंसिल से, गलें कि हमें यहाँ यहाँ से हेडिंग्स लेनी है और यहाँ से सब हेडिंग्स लेनी है। इसके बाद रीडिंग, अब रीड करना है तो उसमें क्या करना है कि जो पेंसिल अपने पास होगी, पेंसिल से उसको पढ़ते वक्त अंडरलाइन करते चलना है जो भी मेन आइडियाज़ आपको लगें। प्रत्येक स्टूडेंट का मेन आइडिया अलग अलग हो सकता है, उस लाइन में से कुछ को कोई लाइन इंपॉर्टेंट लग सकती है और किसी को कुछ और। देखते हैं कैसे। यहाँ पर पैसेज शुरू हो गया। अब इसमें लिखा हुआ जैसे इंडियन एग्रीकल्चर, इसको पढ़ना है हमें। इंडियन एग्रीकल्चर इज़ ए प्रीडोमिनेंटली डिपेंडेंट ऑन नेचर, इरीगेशन फैसिलिटीज देट आर करेंटली अवेलेबल डोंट कवर एंटायर कल्टिवेबल लैंड। अब इसके अंदर ये लाइन जो है, जैसे डोंट कवर एंटायर कल्टिवेबल, ये अगर इम्पोर्टेंट लगती है तो हम यहाँ से इसको अंडरलाइन कर लेंगे, यानी कि इसका मेन आइडिया हो गया। अगर इस लाइन को देखते हैं तो यहाँ पर डिपेंडेंट ऑन नेचर, तो यानी कि इंडियन कल्चर वो डिपेंड होती है नेचर के ऊपर, तो ये इसका मेन सेंट्रल आइडिया हो गया। जिस लाइन को भी हमें सेंट्रल आइडिया दिखता है, आपको जो लगता है कि इम्पोर्टेंट है, उसको इस तरह से अंडरलाइन करते हुए हम चलेंगे। तो पहला काम होगा रीडिंग में, जिसको हम अंडरलाइन करते हुए चलना है मेन आइडियाज़ को, क्योंकि यही हमें समरी के अंदर बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करने वाली है। दूसरे नंबर पे हमें देखते हैं हेडिंग्स को। जैसा कि पेपर में लिखा था कि हेडिंग्स हमें ज़रूर लिखना है, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के रूप में ही इसको करना है। हेडिंग्स जो हैं, हमने जैसे कि पहले ही 5 भागों में डिवाइड किया था, तो पहला जो पैसेज के जो प्रथम भाग है उनमें जो लाइंस को हमने देखते हैं जिसमें मेन आइडिया था, उस मेन आइडिया में से हम हेडिंग ढूंढेंगे। हेडिंग के अंदर 5 से 6 शब्द होंगे, और इन शब्दों में से जो हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब को हम हटा देंगे, क्योंकि इसको हमें फ्रेजेज के रूप में लिखना होता है। फ्रेजेज का मतलब होगा कि जिसमें 2 या 3 शब्द होंगे लेकिन आइडिया स्पष्ट होगा और हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। जैसे अगर हमारा ये इसमें लिखा हुआ है कृषि, यानी इंडियन की जो जितनी भी कृषि एग्रीकल्चर है उसके ऊपर हमारा 2020 के अंदर आया था, तो हमारी जो फ्रेजेज है वो जाएगी, जैसे इंडियन कल्चर है, या लिख देंगे जैसे डिपेंड ऑन वेदर। तो इसमें ये जो डिपेंड ऑन वेदर है, ये जो लाइन लिखी, ये हो जाएगी अपनी फ्रेज। तो इस तरह से हमें लिखना होगा हेडिंग और सब हेडिंग। सबसे अच्छा तरीका है फ्रेज बनाने का, उसमें से हेल्पिंग वर्ब हटा दो, वो फ्रेज बन जाएगी। फिर उसमें से भी जो आपको अनवांटेड वर्ड्स हैं उनको हटा देते हैं, तो ये हमारे जो मेन आइडिया है वो उसको हम हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग लिखने के बाद हमें लिखना होता है तीसरे नंबर पर सब हेडिंग्स, यानी हेडिंग्स के अंदर फिर सब हेडिंग्स। सब हेडिंग्स का तरीका भी यही है कि आप फ्रेजेस के रूप में ही सब हेडिंग्स लिखें, और इसके जो तरीके लिखेंगे हम, तो ये इस तरह से होगा। जैसे हम पहले यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे कोई भी, जैसे इंडियन एग्रीकल्चर, तो ये एग्रीकल्चर के बाद ये तो इसकी हेडिंग हो जाएगी। अब जब सब हेडिंग लिखेंगे तो सब हेडिंग होगी इसकी इस तरह से, इसके जस्ट नीचे 1.1, क्योंकि 1 तो इसमें इंडियन एग्रीकल्चर है, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। और इसकी सब हेडिंग का मतलब है इसी के से रिलेटेड जो हम पैसेज है हमारा, जो डिवाइड किया था हमने एक लाइन को, तो हमने हेडिंग बनाया। अब उसके आगे के जो पार्ट्स होंगे वो होंगे उसके सब हेडिंग्स, और उन्हीं में से जो कॉमन वर्ड्स हैं या उनमें जो मेन आइडिया है उसको हम सब हेडिंग के रूप में लिखेंगे। जैसे इसमें सब हेडिंग हमने देखा हो जाएगी, जैसे ये डिपेंड वेदर, डिपेंड ऑन वेदर, तो ये इसकी हेडिंग सब हेडिंग हो जाएगी। फिर इसके बाद इसकी दूसरी सब हेडिंग, तो उसको लिखेंगे हम 1.2, ये इसकी दूसरी सब हेडिंग होगी। इसमें जो भी वर्ड्स मिलते हैं हमको, उसको यहाँ पर लिखते जाएंगे। इसके बाद इसी की तीसरी जो सब हेडिंग होगी, तो उसको 1.3, और फिर इसकी सब हेडिंग लिख देंगे। इसके बाद अगर हमें लगता है कि दूसरी हम हेडिंग बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम दूसरी लिखेंगे, फिर यहाँ पर हेडिंग, और इसके बाद 2.1, इसकी सब हेडिंग हो जाएगी। 2.2, इसकी सब हेडिंग हो जाएगी। अब हम कितनी हेडिंग्स लिखें और कितनी सब हेडिंग्स लिखें, तो उसका एक मोटा मोटा जो आइडिया है वो है कि आपको कम से कम 4
या पांच, यानी कम से कम चार अधिकतम पांच, इस क्वेश्चन के लिए हमें बनानी है हेडिंग्स। और इन चार से पांच जो हेडिंग्स हैं इनके कम से कम तीन और अधिकतम चार, तीन से चार प्रत्येक हेडिंग के लिए सब हेडिंग्स बनाना है। बस ये हमारा हो जाएगा नोट मेकिंग। फॉर्मेट बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे तो नंबर पूरे आएंगे, और इससे अगर अलग जाएंगे तो नंबर कटना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस पैसेज में नहीं पूछी नहीं जाती लेकिन हम लिखते हैं तो नंबर आने में अच्छा होता है, उसे बोलते हैं एब्रीविएशंस। अब ये एब्रीविएशंस क्या होते हैं? एब्रीविएशंस का मतलब होता है लघु रूप। लघु रूप इसको जब भी हम इसमें नोट्स में लिखेंगे तो जैसे गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को हम लिखेंगे GOVT, ये इसका एब्रीविएशन है गवर्नमेंट का। स्कूल है तो स्कूल को हम SCL ये लिख सकते हैं। इसके अलावा किलोग्राम अगर हमें लिखना है तो किलोग्राम को KG हमें लिखना है। इन्फॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेशन को इन्फो लिख सकते हैं। एंड है तो एंड को इस तरह से लिखेंगे। तो ये होते हैं एब्रीविएशंस, इनका उपयोग करने से हमारे नोट्स बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। तो ये तो था हमारा नोट्स का तरीका। अब हम देखते हैं समराइजेशन। अब हम देखते हैं समरी। तो समरी के लिए हम क्या करेंगे कि जितने भी हमने मेन आइडियाज़ लिखे थे नोट्स बनाने के लिए, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, उनको मिलाकर एक संपूर्ण वाक्य बनाते हुए हम समरी बनाएंगे। समरी के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये पूरे पैसेज का 1/3 पार्ट हो। कि अगर हमारा पैसेज 100 लाइन में है तो ये 30 लाइन्स की होगी समरी, और अगर ये 10 लाइन में है तो समरी होगी 3 लाइन की, इतना तो हो जाएगा ये। इसके अलावा इसमें किन किन चीज़ों का हमें समावेश नहीं करना है वो है एग्जांपल्स। जितने भी एग्जांपल्स हैं उनका समावेश नहीं करना है, या जितने भी वर्णन आते हैं डिस्क्राइब जो करते हैं किसी भी चीज़ को वो नहीं करने, किसी के कथन हैं वो नहीं लिखने। सिर्फ इसको हमें लिखना है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब थर्ड पर्सन का प्रयोग करते हुए लिखना है, यानी आपकी भाषा के अंदर इसको लिखना होता है। ये एक ही पैराग्राफ में लिखी जाएगी, यानी इसका जो पैरा होगा वो एक होगा, इसको बार बार पैराग्राफ में नहीं लिखते हैं। जहाँ शुरू करना है और उसके बाद एंड, तो आपको 5-6 लाइन में अधिकतम 8-10 लाइन तक ये हो जाएगी, यानी कि ये लगभग 80 वर्ड्स के अंदर हमें कंप्लीट कर देना है इसे। इसके लिए सबसे आसान तरीका कि हमने जितने भी मेन आइडियाज़ थे उनको हम सेंटेंस बनाते हुए लिख लेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप नकली मारो, आप अपनी तरफ से इन शब्दों को और इन वाक्यों को तोड़ मरोड़ कर आसान भाषा में लिखते जाना है, और ये हमारी हो जाएगी समरी। वैसे स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि पहली लाइन लिखेंगे और उसके बाद 2-3 लाइन छोड़कर फिर दूसरी लिख देंगे, फिर तीसरी लिख देंगे, जो गलत तरीका है क्योंकि इससे उसका तारतम्य बिगड़ जाएगा। तो पहली लाइन से कनेक्टेड दूसरी लाइन होनी चाहिए, दूसरी लाइन से कनेक्टेड तीसरी, तीसरी से चौथी, और इस तरह कनेक्टेड होते हुए मेन आइडिया उससे दूर ना हो, इतना होते हुए वो लगभग 8-9 लाइन की हम समरी कंप्लीट करेंगे। इस तरह से समरी होगी। अब इसका जो 2020 के अंदर जो पेपर आया था उसको करते हैं हम सॉल्व पूरा का पूरा। इस अकॉर्डिंग ये जो हमने वीडियो तैयार किया इसके अकॉर्डिंग हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। अब ये है 2020 के अंदर आया हुआ, यानी 2020 में पेपर आया था, इसी को हम सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से नोट मेकिंग का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किया जाता है। तो नोट मेकिंग के लिए सबसे पहले हम करेंगे इसको पूरे पैसेज को रीड करेंगे, और रीड के बाद आगे का सॉल्यूशन। सबसे पहले रीड करते हैं। रीड करते टाइम अपने को इसमें जो भी इम्पोर्टेंट लगे उसको हमें अंडरलाइन करते चलना है पेंसिल से। तो सबसे पहले लाइन है एग्रीकल्चर हैज़ ऑलवेज बीन सेलिब्रेटेड एज द प्राइमरी सेक्टर इन इंडिया। तो प्राइमरी सेक्टर इसका इम्पोर्टेंट हो गया, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। बट द रियलिटी इज़ दैट इंडियन फार्मर्स हैव टू फेस एक्सट्रीम पावर्टी। इसमें लगभग मुझे लग रहा है कि एक्सट्रीम पावर्टी इम्पोर्टेंट है, तो इसको मैंने अंडरलाइन किया। फाइनेंशियल क्राइसिस इसमें इम्पोर्टेंट है, इसको भी कर दिया। विच इज़ ड्राइविंग देम सुसाइड्स, देखो सुसाइड्स करवाते हैं ये, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो गई। वॉट आर द ग्रेव एडवर्सिटीज़, तो ये इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है, आपको सकता है कुछ और वर्ड्स इम्पोर्टेंट लगें, ये मेरे अकॉर्डिंग है। द ड्राइव
द फार्मर्स टू कमिट सुसाइड, तो ये कमिट सुसाइड इम्पोर्टेंट लग रहा है। द टाइम व्हेन इंडियन इकोनॉमी इज सपोज टू बी गियरिंग अप टू टेक ऑन द वर्ल्ड, इंडियन एग्रीकल्चर इज प्रीडोमिनेंटली डिपेंडेंट ऑन नेचर, इम्पोर्टेंट है। इरीगेशन फैसिलिटीज दैट आर करेंटली अवेलेबल डोंट कवर एंटायर कल्टिवेबल लैंड, ये इम्पोर्टेंट है। इफ द फार्मर्स आर द मर्सी ऑफ द मानसून, ये इम्पोर्टेंट। टाइमली वाटर फॉर देयर क्रॉप्स, दे आर एट मर्सी ऑफ द गवर्नमेंट, द मर्सी ऑफ गवर्नमेंट। फॉर द अल्टरनेटिव इरीगेशन फैसिलिटीज, एनी फेलियर ऑफ नेचर डायरेक्टली अफेक्ट द फॉर्चून ऑफ फार्मर्स। सेकेंडली, इंडियन एग्रीकल्चर इज लार्जली अनऑर्गेनाइज सेक्टर, देर इज नो सिस्टमेटिक प्लानिंग इन कल्टिवेशन, द फार्मर्स वर्क ऑन लैंड्स अन इकोनॉमिकल साइजेज, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेज आर नॉट अवेलेबल, मिनिमम परचेज ऑफ प्राइज एंड गवर्नमेंट डोंट रियल्टी रीच पुअरेस्ट फार्मर्स। एडेड टू दिस, द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट हैव बीन स्टीडली राइजिंग ओवर द ईयर्स, फार्मर्स मार्जिन ऑफ प्रॉफिट हैव बीन नैरोइंग ऑफ द प्राइसेज, इज इनपुट इज नॉट कम्प्लीमेंट बाय द इंक्रीज ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इवन टूडे इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एग्रीकल्चर इज सीजनल ऑक्यूपेशन, इन मैनी डिस्ट्रिक्ट फार्मर्स गेट ओनली वन क्रॉप पर ईयर, एंड फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट। वॉट देन नीड्स टू बी डन टू प्रिवेंट दिस सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, देयर cannot be one single solution to end woes of farmers, temporary measures through monetary relief would not be the solution, the government effort should be targeted improving the entire structure of the small farmers, wherein the relief is not given on a drought to drought basis, rather they are taught to overcome their difficulties through their own skills and capabilities. Social responsibilities also goes long way to help the farmers, general public NGOs, corporate and other organizations too can play a part in helping farmers by adopting drought affected villages and families and helping them to rehabilitate. इस तरह से हमने पेंसिल से इसको कवर कर लिया, प्रत्येक जो भी मेरे को लगा इसमें कि इम्पोर्टेंट और कॉमन वर्ड्स या सेंट्रल आइडियाज़ हैं सेंट्रल, उनको मैंने अंडरलाइन कर लिया। अब हम जैसे कि हमने पहले तरीका देखा था पिछले वाले वीडियो में किस तरह बनाना है, तो बिल्कुल उसी तरह हम सबसे पहले इसके हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाएंगे। क्वेश्चंस देखते हैं इसके। क्वेश्चन में यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द अबाउट पेसेज मेक नोट्स ऑन इट्स यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, तो हम सबसे पहले हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में इनके नोट्स बनाएंगे, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है समरी जो बाद में करेंगे। तो हमने जो भी अंडरलाइन किए थे उन्हीं से हम हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाते हैं, कैसे बनाएंगे हम देखते हैं आगे। अब हम सॉल्व करना जा रहे हैं, तो ये जो हमारी कॉपी है कॉपी के अंदर ही इस तरह लिखेंगे हम आंसर नंबर 9, लिखेंगे ऊपर नोट्स लिखना है ये, और इसमें अब नंबर 1 ये इसकी हेडिंग हो जाएगी। तो हमें जैसा कि हमने देखा था कि 4 से 5 हेडिंग्स बनानी है और 3 से 4 सब हेडिंग्स बनानी है। तो यहाँ पर हेडिंग है पहली, हमने अंडरलाइन की थी इंडियन एग्रीकल्चर, ये हमारी हेडिंग हो गई। अब इसके अंदर 1.1 हमने अंडरलाइन की थी प्राइमरी सेक्टर, तो ये प्राइमरी सेक्टर इसका सब हेडिंग हो जाएगा। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब फ्रेजेस के रूप में इसको लिख रहे हैं, पूरी लाइन लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, जो केवल इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन्हीं को लिखना है, तो ये हमें अंडरलाइन किया था। इसके बाद दूसरी लाइन में हमने की थी इसी के अंदर एक्सट्रीम पावर्टी, तीसरी जो सब हेडिंग्स बनाई हमने फार्मर्स कमिट सुसाइड, ये हमने सबको अंडरलाइन किया था, बस उसी को हमें
इस तरह से लिखते जाना है। फिर दूसरा जो हेडिंग थी वो डिपेंडेंट ऑन नेचर, ये हमने अंडरलाइन की थी वहाँ पर कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो डिपेंड होती है नेचर के ऊपर। इसके बाद 2.1 के अंदर हम लिखेंगे लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ की कमी होती है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में। इसके बाद लिया हमने मर्सी ऑफ मानसून 2.3 में, सब हेडिंग में मर्सी ऑफ गवर्नमेंट, और ये सब चीज़ें हमें पेपर में से मिलेगी, हमें अपने दिमाग से कुछ भी नहीं सोचना ज़्यादा, ये सब देखते हैं वापस पेपर में अंदर। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि देखो मर्सी ऑफ मानसून वही की वही चीज़ें लिखी हुई है, फिर इसके बाद मर्सी ऑफ गवर्नमेंट, ये सब पेपर में से लिया है हमने। इस तरह से ये जो पूरा पेपर है वो 5 पैराग्राफ्स में डिवाइड है और हमने 5 ही हेडिंग्स ली है और उसके अंदर 3-3 या 4-4 सब हेडिंग्स ली है। वापस से देखते हैं अपना आंसर। तो इस तरह फेलियर ऑफ नेचर, तीसरी जो हेडिंग ली है वो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी तीसरा जो पैराग्राफ है उसी क्वेश्चन का, उसमें से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को हमने मार्क किया था। अब 3.1 यानी इसकी जो सब हेडिंग हो जाएगी वो है नो सिस्टमेटिक प्लानिंग, अन इकोनॉमिकल साइज लैंड्स, नॉट अवेलेबल इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेस। बस इसके बाद 3 सब हेडिंग्स हो गई, काफ़ी है। अब चौथे पैसेज के अंदर चलते हैं, उसी चौथे पैराग्राफ के अंदर चलते हैं उसी क्वेश्चन के। कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स फार्मर्स प्रॉफिट नैरोइंग, ये इसकी सब हेडिंग हो जाएगी। ये सब एक दूसरे जुड़े हुए, जैसे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स की जो खेती होती है उसमें जो खर्चा है बहुत ज़्यादा होता है, तो अब इसी की सब हेडिंग हो जाएगी कि फार्मर्स प्रॉफिट नैरोइंग, तो फार्मर का जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है। सीजनल ऑक्यूपेशन है कि ये एक सीजन के अनुसार चलता है खेती, ओनली वन क्रॉप पर ईयर, किसान है जो एक साल में केवल एक ही खेती लेता है, तो ये इससे एक दूसरे जुड़े हुए हैं। नीड्स टू बी डन, ये 5वां पैसेज कि क्या क्या आवश्यकता है जो की जानी चाहिए। मॉनेटरी रिलीफ, डेवलप स्किल्स, यानी कि उनको जो स्किल्स हैं कौशल हैं उनको डेवलप किया जाना चाहिए। इसके अलावा NGOs भी फार्मर्स की सहायता कर सकते हैं। तो इस तरह से उस क्वेश्चन के अंदर 5 पैसेज थे, 5 पैसेज में से हमने 5 सब हेडिंग बना ली और उन 5 सब हेडिंग में से कम 3-4 हेडिंग्स बनाई, और इस तरह से हमारा नोट्स कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर का ये कंप्लीट है, ये बिल्कुल सरफेशियल था। इसमें से आपके 4 में से 4 भी आ सकते हैं और 3 भी आ सकते हैं, 3 कहीं नहीं गए, 4 नहीं भी आएंगे। तो इसके बाद देखते हैं हम समरी। समरी जो है 2 नंबर की आती है हमारे, तो इस 2 नंबर के अंदर हमें क्या क्या करना है कि आधा नंबर का जो टाइटल जो ये दे रखा है, हमने टाइटल दे दिया सूटेबल टाइटल, तो इसका जो हमने बात की थी वो थी एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, यानी भारत की कृषि के बारे में बात की जा रही है, तो इसका टाइटल हो जाएगा और ये कम से कम आधे नंबर का आपको होगा। तो टाइटल हो गया, टाइटल लिखने के बाद यहाँ पर हमें आंसर नंबर 10 लिखना ही है, समरी लिखना है और समरी के बाद एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया टाइटल लिखना है। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी समरी। हमने बात की थी कि हमारे जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स है उन्हीं को सेंटेंस में कन्वर्ट करके हम ये समरी लिख देंगे, कि आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं हम पहली जो लाइन लिखी थी वो क्या लिखी थी, हम देखते हैं अपने नोट्सों को। यहाँ पर नोट्स में हमने देखा तो सबसे पहले हेडिंग लिखी थी इंडियन एग्रीकल्चर और उसकी सब हेडिंग थी प्राइमरी सेक्टर, एक्सट्रीम पॉवर्टी, फार्मर्स कमिट सुसाइड। अब इन्हीं के हम सेंटेंस बनाते हैं और इसको हम समरी में काम में लेते हैं। तो पहली लाइन बन गई दिस इज द प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर का सेंटेंस बनाया हमने, दिस इज द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद दूसरी लाइन लिखी हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी इज इन दिस सेक्टर, क्योंकि वहां पर हमारे नोट्स में था एक्सट्रीम पॉवर्टी, तो इसका सेंटेंस बना दिया एक्सट्रीम पॉवर्टी इज इन दिस सेक्टर, हेल्पिंग वर्ब की यूज करते हुए। फिर आगे लिखा हुआ था कि कमिट सुसाइड, तो उसका सेंटेंस बनाया ना समटाइम्स फार्मर्स कमिट सुसाइड। इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन नेचर एंड मर्सी ऑफ मानसून्स, तो हमने मर्सी ऑफ मानसून्स फ्रेज बनाई थी तो उसका सेंटेंस बना दिया कि इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन नेचर। अगली जो फ्रेज थी वो थी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो इसका सेंटेंस बनाया हमने इट इज़ ए अनऑर्गेनाइज सेक्टर। फिर अपनी फ्रेज थी उसमें नोट्स में कि नो सिस्टमेटिक प्लानिंग, तो इसका सेंटेंस बना दिया देयर इज नो सिस्टमेटिक प्लानिंग। कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन इनपुट्स इज वेरी हाई एंड प्रॉफिट ऑफ फार्मर्स इज वेरी लो, ये सब हमारे नोट्स हैं, नोट्स को हमने सेंटेंस में कन्वर्ट किया है
कोई विशेष बात नहीं की। इट इज़ सीजनल ऑक्यूपेशन। फार्मर्स टेक वन क्रॉप वन पर ईयर। फार्मर्स शुड डेवलप स्किल्स टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। मॉनेटरी रिलीफ शुड बी गिवन बाय गवर्नमेंट। यहाँ पर गवर्नमेंट लिखा है हमने, यानी कि एब्रीविएशन का काम में लिया है, एब्रीविएशन को काम में ले लिया। गवर्नमेंट पूरा नहीं लिखा, गवर्नमेंट एनजीओज को भी पूरा नहीं लिखा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दी। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है फुल फॉर्म, लेकिन हमने एब्रीविएशन का काम में लिया। एंड कॉरपोरेट्स कैन हेल्प फार्मर्स, के ये भी फार्मर्स की सहायता कर सकते हैं। तो हमने जो नोट्स बनाए उन्हीं के सेंटेंस बना के हमने यहाँ पर समरी लिख दी। तो इस तरह से नोट्स बनाना और समराइजेशन बहुत सरल है, और स्टूडेंट्स बगैर अपने दिमाग पर जोर डाले आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और आसानी से पूरे नंबर ला सकते हैं। अब अगले वीडियोज में अगले क्वेश्चन किस तरह तैयार करेंगे हम वो देखेंगे। ये अगर वीडियो आपके लिए प्रॉफिटेबल है तो इसको आप लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें कि इसमें क्या कमियां थी या क्या और अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा इसमें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छे नंबर लाएं आप इस साल, और इस क्वेश्चन में तो कम से कम 6 में से 6 ही आने चाहिए। यही शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।